CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना रहती है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप परमेश्वर के नज़दीक आते रहें दिन बर दिन। और हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम से आप विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को और नज़दीकी से आप जान रहे हैं। यस, और दोस्तों, आज हमारे मनी मैटर्स सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट विषय को देखने वाले हैं और वो विषय है लालच। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है राहुल, लालच, और हम सब इसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। कभी ना कभी हम सब लालची होते हैं और बहुत ज़रूरी है कि हम लालच से दूर रहें ताकि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जान पाएं। यस, इनफैक्ट बाइबल बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों हमें लालच के विषय में। कई ऐसे किरदारों का जिक्र शास्त्र करता है और उनके अंजाम से हमें पता चलता है कि लालच कितना खतरनाक है, कितना डेंजरस है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और ये हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है और परमेश्वर द्वारा दी गई आशीषों से भी हमें दूर ले जाता है। इनफैक्ट ऐसा ही हुआ लतेश दसानी के जीवन में भी, जब उनके जीवन में भी पैसा कमाने का लालच आ गया। उन्होंने पैसा कमाने का गलत तरीका अपनाया और फिर उनके जीवन में आगे क्या हुआ, आज वो अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। लतेश दसानी के ये आंसू उस वक्त के लिए हैं जब वो परमेश्वर से दूर थे। ऐसा प्रेम ना कोई कर सकता है, ना किसी ने किया है, ना कौन करेगा, यह मेरा अनुभव बोल रहा है। घर में पैसों की कमी के कारण लतेश ने पढ़ाई के साथ काम करना शुरू कर दिया था। काफी संघर्ष भरा बचपन था हमारा और फाइनेंस कंडीशन काफी खराब था। उसकी वजह से कोई घर में ज्यादा कोई कमाने वाला नहीं था, डैडी थे, लेकिन खर्चा ज्यादा होने की वजह से काफी सारा उनको भी मेहनत करना पड़ता था। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए वो स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए थे। तो टीचर ने मुझे पूछा वहाँ पे, तो तुम स्कूल क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हो, उसके पीछे का कारण क्या है। तो मैंने टीचर को पूरा पूरा सच बताया, तो टीचर ने बोला ठीक है, आपका जो भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मैंने उनको बताया कि सर्विस भी चालू है, स्कूल फिर साथ में नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। 12वीं क्लास के बाद अब लतेश को पैसा कमाना था और ये उनका जुनून बन गया था। बैड टाइम्स हमने देखा था, उसकी वजह से एक रवैया ऐसा बन गया था कि नहीं, पैसा पैसा पैसा, ऐसा पोजीशन हो गया था कि सिर्फ पैसा चाहिए। वो ज्यादा कमाने के लिए फॉरेन चले गए और कुछ साल बाद वापस लौट आए। अब उनका लालच और बढ़ गया था। विदेश से आने के बाद मैंने यहाँ पे बिजनेस चालू किया। वो बिजनेस 2 नंबर का था, एकदम गलत। उसमें पैसा मैंने बनाया काफी सारा, लेकिन एक मन में शांति नहीं था। उनके इस काम से उनकी फैमिली खुश नहीं थी। लतेश के साथी गिरीश उनको कई बार समझाते थे। एक दिन गिरीश ने उन्हें अपने घर पर प्रेयर मीटिंग में बुलाया और पास्टर जी ने काफ़ी तरह हमसे बातें शेयर किया मसीह लाइफ के बारे में। मैं देख रहा था कि मेरा जीवन बिल्कुल वो वचन के बिल्कुल खिलाफ है। पैसा इतना सारा, वो फीलिंग्स को मार भी रहा था और फीलिंग्स कभी ऊपर भी आ रहा था। नहीं, बात तो सच है, गलत तो मैं हूँ। प्रार्थना से लौटने के बाद वो सोचने पर मजबूर हो गए और लतेश ने गिरीश के साथ चर्च अटेंड किया। कुछ अलग ही तरह का आराधना देखा मैंने वहाँ पे। आराधना कंप्लीट हुआ उसके बाद मैसेज चालू हुआ। वो मेरा फर्स्ट मैसेज था, 10 आज्ञाएं, प्रभु की 10 आज्ञाएं, और वो मैसेज ने मुझे पूरा का पूरा झिंझोड़ दिया। पहली बार मैंने जाना प्यार किसे कहते हैं। अंदर से आवाज आई थी, तुम जैसे भी हो, मैं तुम्हें अपनाऊंगा। अब लतेश दसानी परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। काफी सारा जीवन बदल गया मेरा। वो 2 नंबर का बिजनेस बंद कर दिया। पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं, प्रभु नींद देगा। मन में शांति दिया, एक कोना जो खाली था वो भर दिया प्यार से। लतेश,
लतेश जी के जीवन में हमने देखा कि जब उन्होंने परमेश्वर को पा लिया तो लालच और सारी ग्रीड उनके जीवन से दूर हो गई। उन्होंने पैसे के सही मूल्य को अपने जीवन में जाना और आज वो परमेश्वर में खुश हैं और संतुष्ट हैं। यस यस दोस्तों, इसलिए हमें लालच से बचकर रहना है। पॉल भी यही चेतावनी हमें देता है कि लालच जो है ये हर बुराई का जड़ है। कभी कभी हम सोचते हैं शायद पैसा है, लेकिन पैसा नहीं है, जो पैसे के प्रति लालच है और जो चीज़ों के प्रति लालच है ये इंसान से अक्सर गलत कदम उठाने में उसे मजबूर करता है। जी बिल्कुल, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लालच से बचें और परमेश्वर से मदद मांगें ताकि वो हमें लालच और ग्रीड से दूर रखे। यस दोस्तों, जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम अक्सर ये देखते हैं कि यीशु ने बड़ी भीड़ से अलग अलग शिक्षाएं दी और यीशु अपने सुनने वालों को बताना चाहता था कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। लूका 12 में एक ऐसी कहानी है जहां आत्मिक चीज़ों के बारे में यीशु एक भीड़ से बातें कर रहा है, उन्हें आत्मिक रहस्य आत्मिक राज बता रहा है। ऐसे में एक बिजार इंसिडेंट होता है, एक अजीब दास्तान होती है। आइए दोस्तों हम देखते हैं लूका के 12वें अध्याय 13वें वचन को, Luke 12:13-14। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बाँट दे। यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, हुआ ऐसे कि यीशु कुछ आत्मिक बातें कर रहा है। भीड़ में एक इंसान है जो यीशु से कहता है, गुरुजी, मेरे पास एक बात है कहने के लिए। अब जाहिर सी बात है, सबको लगा होगा कि जो क्लास चल रही है उसी क्लास के सिलसिले में ये बात होनी चाहिए, राइट? अगर भूगोल का क्लास चल रहा है तो आप भूगोल को लेकर सवाल करते हैं, इतिहास का क्लास चल रहा है तो आप इतिहास को लेकर सवाल करते हैं। लेकिन ये मनुष्य जो है, जो भीड़ में है, ये बिल्कुल अजीब सवाल करता है। यीशु से कहता है कि प्रभु, आप मेरे भाई से कहें कि वो बंटवारा करे और मेरा हिस्सा मुझको दे। तो इसका कोई लेना देना नहीं, ये तो ऐसा हुआ जैसे भूगोल की क्लास में किसी ने गणित वाला सवाल पूछ लिया। और यीशु उससे कहता है, ये हमें बताता है कि इस आदमी का ध्यान ही नहीं था। जो यीशु आत्मिक बातें कह रहे थे, ये बैठा तो था यीशु की क्लास में, लेकिन इसका माइंड जो है ये कहीं और था। और फिर देखिए यीशु ने क्या कहा दोस्तों, 15वां वचन जो है ये बिल्कुल खास वचन है। यीशु ने उन सब से कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। वाओ दोस्तों, दो बातें यीशु कहता है। सबसे पहले कहता है संभल कर रहो, चौकस रहो, बीवेयर, बी केयरफुल, बी ऑन गार्ड। हमें संभल कर रहना है दोस्तों, क्योंकि लालच जो है ये हम सबके जीवन में क्रीप कर सकता है, आ सकता है। और दूसरी बात यीशु हमसे कहता है कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी इस बात पर नहीं है कि हमारे पास कितना कुछ है। हमारे धन और संपत्ति, हमारी बैंक बैलेंस से हमारी पहचान नहीं होती। जो बातें यीशु ने 2000 साल पहले कही दोस्तों, आज भी वो कितना वाजिब है ना। आज देखिए ना, लोगों को हम कैसे आंकते हैं, उनके नेट वर्थ से आंकते हैं, यानी जितनी उनकी आमदनी है, जितना उनका बैंक बैलेंस है, उससे हम लोगों को लिस्ट करते हैं, फोर्ब लिस्ट, ये लिस्ट, वो लिस्ट। लेकिन हमें संभल कर रहना है दोस्तों, यीशु की इस चेतावनी को बड़ी गंभीरता से लेना है कि हमारी पहचान हमारे धन संपत्ति या प्रॉपर्टी से नहीं होता। हमारी पहचान ये है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और उसमें हम संतुष्ट रहे, जाने कि परमेश्वर हमारे सब ज़रूरतों को पूरा करेगा और उसमें हम हैप्पी रहे, सेटिस्फाइड रहे। जी, हम परमेश्वर की संतान हैं और वो हमारा पिता है, वो हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है। दोस्तों, विश्वास में आप बने रहें और आगे बढ़ते रहें, और साथ ही हम मिलकर क्यों ना प्रार्थना करें ताकि अगर आपके और हमारे जीवन में लालच है तो परमेश्वर की मदद से वो दूर हो जाए। और प्रार्थना के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में, हमारा नंबर है 9910401010। यस दोस्तों, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमें अपना प्रेयर निवेदन भी भेज सकते हैं। अब समय ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को हम पढ़ेंगे और आपके लिए खास प्रार्थना करने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। आ
आप इसका इस्तेमाल कब तक करेंगे? प्रार्थना को मौका दीजिए, आप आज ही हमें कॉल कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ देंगे। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मदद और सामर्थ मांग रहे हैं ताकि अगर हमारे जीवन में कोई भी लालच है तो वो दूर हो जाए और हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जान पाएं। बिल्कुल दोस्तों, ये समय है आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को पढ़ें और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और फिर अंत में हम खास आज के विषय के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। दोस्तों ये समय है प्रार्थना का, हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे और आज हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं जो लोगों ने अपनी फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए, कंडीशंस के लिए प्रार्थना मांगी है। तो इस समय हम मैसेज पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे और आज का पहला मैसेज है पल्लवी का जो कह रही है, कृपया हमारे बिजनेस के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं और मेरे पति दिन रात बहुत मेहनत करते हैं पर हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा है। हम बहुत कर्जे में डूब गए हैं, समझ नहीं आता कि हम क्या करें। पल्लवी, थैंक यू सो मच फॉर योर ईमेल और हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप मेहनत ज़रूर करें और सच्चाई और खराई के साथ अपने सारे काम आप करें और परमेश्वर से मांगे कि वो आपको दिखाएं कि कहाँ कहीं कमी खटी रह गई है जिसकी वजह से आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा है, आप सक्सेस नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। परमेश्वर आपको ज़रूर सही तरह से दिखाएंगे और आपकी मदद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय पल्लवी की प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे कि वो कह रही हैं कि वो बहुत मेहनत करती हैं पर उनके बिजनेस में उन्हें सक्सेस नहीं मिल पा रही है और हम मांगते हैं कि इस समय वो और उनके हस्बैंड निराश न हो और वो पीछे न हटें पर वो सच्चाई और खराई के साथ अपने काम को करें, दिन रात मेहनत करें। और हम जानते हैं कि प्रमोशन कम्स नीदर फ्रॉम द ईस्ट नॉर फ्रॉम द वेस्ट बट फ्रॉम यू आवर लॉर्ड। इसलिए हम आपके पास आते हैं और मांगते हैं कि आपका हाथ उनके बिजनेस पर हो, आपकी आशीष उनके बिजनेस पर हो ताकि वो भी सक्सेस को एक्सपीरियंस कर सकें। और हम जानते हैं कि जो कुछ भी आप करेंगे उनके जीवन में वो सब अच्छा होगा, भला होगा। और हम जानते हैं कि सही समय पर आप उन्हें बहुत सक्सेस देंगे और उन्हें बहुत भरपूरी भी देंगे। इसी विश्वास के साथ ये प्रार्थना हम आपसे मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन, आमीन। अगला मैसेज जो है वो हमें भागीरथी साहू ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से और वो कह रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा बिजनेस अच्छे से चले, परमेश्वर मुझे सही मार्ग दिखाए, मेरे परिवार का कष्ट निवारण करे। भागीरथी जी, ज़रूर इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको सही दिशा दे, आपका मार्गदर्शन करें और वो ऐसा करेगा क्योंकि वो एक अच्छा चरवाह है। आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं भागीरथी जी के लिए, उनके पति के लिए, उनके परिवार के लिए, खासकर उनके व्यवसाय के लिए। प्रभु, जो भी उन्होंने शुरू किया है, जिसमें भी वो अड़चन महसूस कर रहे हैं, उस सब में प्रभु तू अपना निवारण दिखाएगा। प्रभु, सही दिशा उन्हें देगा, उनके पथरीले मार्गों को तू सरल करेगा। प्रभु, वो जानेंगे कि तेरा हाथ उनके ऊपर है, उनके व्यवसाय में उन्हें बरकत दे प्रभु और वो कामयाबी को चखे और जाने कि तेरा हाथ उनके ऊपर है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं, आमेन। आमेन। आइए दोस्तों पढ़े एक और मैसेज जो भेजा है संजय ने व्हाट्सएप से। और संजय कह रहे हैं, मैं बहुत खराब वक्त से गुजर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ और इस वजह से मुझे बहुत गलत विचार आते रहते हैं, कृपया आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। संजय जी, हम समझ सकते हैं कि बहुत मुश्किल समय है आपके लिए, इस वजह से बहुत गलत विचार आपके मन में आते हैं, पर हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इस समय परमेश्वर के वचन को पढ़ें, प्रार्थना में आप समय बिताएं और परमेश्वर के लोगों के साथ आप समय बिताएं ताकि आप इंकरेजमेंट पाएं और आप विश्वास में आगे बढ़ें। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय संजय के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी रिक्वेस्ट के लिए। हम मांगते हैं कि जो तंगी से वो गुजर रहे हैं उसे अपने नाम में, अपने सामर्थी नाम में आप उनके जीवन से दूर करें। जो भी अड़चनें हैं प्रभु जी, आप अपने नाम में उन्हें दूर करें। हम मांगते हैं कि आप उन्हें सही मन दें और सही रास्ते उनके आगे आप खोलें जिन पर चलकर वो भी अपने जीवन में सक्सेस और बढ़ोतरी और बहुतायत को एक्सपीरियंस कर पाएं। हम मांगते हैं कि जो गलत विचार उनके मन में आ रहे हैं उन्हें आप दूर करें
और अपने शब्दों से और अपने वचन से आप उनके जीवन को, उनके हृदय को आप भर दें। मांगते हैं कि वो विश्वास में आगे बढ़ने वाली हों और हर ज़रूरत को वो प्रार्थना में आपके पास लेकर आएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। दोस्तों आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं लालच को लेकर कि परमेश्वर लालच को हमारे मन से दूर करे, हमारे विचारों से दूर करे। आइए उसके लिए खास प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा चरवा है जो हमें कभी घटी नहीं होने देता। तू हमें हरी हरी चराइयों के पास ले जाता है, सुखदाई झरनों के पास बिठाता है। प्रभु तू हमारे मनों को भी शांत करता है। प्रभु हमारी प्रार्थना है जो भी हमारे खास दर्शकों के लिए, प्रभु जो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस सुबह, और अगर हमारे मन में किसी भी किस्म का लालच है, लोभ है, जो तुझे प्रसन्न नहीं करता, उसे हमारे मनों से निकाल। प्रभु हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं, जानते हुए कि तू हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। तेरा वादा है प्रभु, तू हमारे चाहत को देगा, लालच को नहीं। तू हमारी मदद कर प्रभु कि हमारा ध्यान तुझ पर केंद्रित हो और हमारा हृदय हमेशा आभारी हो जो तूने किया है उससे। प्रभु हम कभी भी कुड़कुड़ाए नहीं जैसे इसराइलियों ने किया और तुझसे दूर हो गए, लेकिन प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से उमड़ता रहे और तू तेरे प्रति आभारी हम रहे। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन। आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, धन्यवाद देते रहें प्रभु को, वो एक तरीका है लालच में ना गिरने का। जब हमारा मन आभारी होता है तब हम परमेश्वर के प्रति शुक्रगुजार होते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी खूबसूरत विचार के साथ आइए देखिए कि आज परमेश्वर अपने वचन से हमें किस तरह इनकरेज कर रहे हैं। कितना अच्छा वचन है दोस्तों जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम अपने जीवन को खराई और सच्चाई के साथ चलाएं, ईमानदारी के साथ चलाएं, तभी हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में जान पाएंगे। परमेश्वर हमारी मदद करे कि हर लालच और बुराई हमारे जीवन से दूर हो जाए। यस बिल्कुल दोस्तों, याद रखें परमेश्वर हमारे चाल चलन और हमारे हृदय पर गौर करता है, और जिसका हृदय परमेश्वर के प्रति वचनबद्ध है, कमिटेड है, वो ग्रीड में नहीं फंसेगा, वो लालच में नहीं फंसेगा, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ के पासवान पास्टर राजेश दयाल से मुलाकात करेंगे, उनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएंगे। सो डू स्टे विद अस। कुछ साल पहले हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया, एक नई जिंदगी में, चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के नाम से। CBN एक पैरा चर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके माध्यम से हिम्स, गॉस्पल सॉन्ग्स अन्य अन्य भाषाओं में अलग अलग माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब टेलीविजन के साथ साथ सोशल मीडिया में भी लोग इनको देख सकते हैं, इनके साथ प्रभु की आराधना कर सकते हैं। हमारे चर्च की क्वायर इस ऐतिहासिक कड़ी की पहली क्वायर थी। चर्च क्वायर्स इन कॉन्सर्ट सेगमेंट में जब हम पहली बार टीवी पर आए तो क्वायर का जोश अलग ही था। क्राइस्ट चर्च की क्वायर ने बहुत से कॉम्पिटिशन में भाग लिया, कई बार हमने बेस्ट क्वायर के अवार्ड्स भी जीते, लेकिन जो पहचान हमारी क्वायर को एक नई जिंदगी जो कि कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होता है उसके जरिए मिली, वो हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा थी। आजकल किसी भी गीत की लोकप्रियता व्यूअरशिप से पता चलती है। ईशु कैसा दोस्त है प्यारा, इस ओल्ड फेवरेट गीत ने 1 मिलियन व्यूज पार किए, और इस सेगमेंट का हर एक गाने का व्यूअरशिप करीब करीब लाखों में ही है। चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट के द्वारा हमें बहुत सारे लोगों का प्रेम मिला,
और बहुत सारे लोगों के आशीषित कमेंट्स मिले। इन गीतों के द्वारा बहुत सारे लोगों को अपनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की उम्मीद दिखाई दी है। जैसा कि एक भाई ने इस गीत पर तमिलनाडु से कमेंट्स किया है कि वो अपने भविष्य को लेकर डिप्रेशन की अवस्था में थे और ये गीत सुनने के बाद उन्हें अपने जीवन में एक उम्मीद दिखाई दी। हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं कि इस सेगमेंट के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। जैसा कि संगीत को सरहद नहीं बांध सकती, वैसे ही चार्ल्स खोयर्स इन कंसर्ट लैंग्वेज बैरियर को नहीं मानती है। सीएसटी सिनोड खोयर असम से है और हिंदी टीवी शो में शामिल होना हमारी खोयर के लिए बहुत बड़ी बात है। यीशु की संगीत ने हम सबको जोड़ कर रखा है। अभी तक 8 राज्यों के 24 चर्च क्वायर्स इस शो में शामिल हुए हैं और लाखों लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पे गीतों का आनंद लिया है। अगर आपका गिरजा भी एक नई जिंदगी की चर्च क्वायर इन कॉन्सर्ट की ऐतिहासिक कड़ी में शामिल होना चाहता है तो www.cbnindia.org पे अपनी चर्च की डिटेल भेजिए या 9910401010 पर फोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी में मनी मैटर्स में हम बात कर रहे हैं लालच के बारे में और हम परमेश्वर से मदद और सामर्थ मांग रहे हैं ताकि हम सब लालच को अपने जीवन में ना कह सकें। और इस हफ्ते हम ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ के कॉयर के गीतों को भी एंजॉय कर रहे हैं, उनसे आशीष पा रहे हैं। अब समय है कि हम इनके पासवान राजेश दयाल जी से हम मुलाकात करें। यस दोस्तों, एक समय था जब राजेश जी परमेश्वर से अनजान थे और उनका जीवन लालच से भरा हुआ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक परिवर्तन उनके जीवन में आया और आज परमेश्वर ने उन्हें किस स्थान पर लाया है, आइए उन्हीं की जुबानी ये कहानी सुनते हैं। तो बचपने से हम अपने पापा को देखते थे, वो नॉर्मल सी नौकरी करते थे, सेल और बैटरी जहाँ बनती है उसमें, और सुबह न्यूज़पेपर का काम भी करते थे और घर घर में अखबार बांटना। तो हम उनको देखते थे कि उस पैसे से घर का गुजारा नहीं होता था घर में, तो हमने सोचा इससे अच्छा कि हम कोई बिजनेस कर लेंगे और घर में थोड़ा सा साथ देंगे मदर का। तो इसलिए हमने फिर एक विक्रम ली और विक्रम टेम्पो जो होती है सवारी वाली, उसको हमने ले करके फिर चलाना शुरू करी और उसके बाद फिर हमने और भी गाड़ियाँ बढ़ाईं और धीमे धीमे हम रोज़गार में आ गए। फिर हमारा सबसे बड़ा काम था, हमने केबल नेटवर्क का काम करा। नेटवर्क जब शुरू शुरू में आया था तो हमने अपने घर से उसको टेलीकास्ट करने के लिए पूरा अपना सिस्टम लगाया घर पे। तो जब हमारी शादी हुई तो उसके बाद दो बेटे हैं हमारे, और उसके बाद हमारा काम चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, लेकिन हमारी पत्नी हमेशा बार बार मुझे टोकती थी कि तुम चर्च नहीं चलते हो, चर्च चलोगे? हम कहते तो खुद ही चली जाओ कल, क्योंकि बिजनेस ऐसा है, क्योंकि बिजनेस संडे को भी जाना है तो मंडे को भी जाना है। और मैं जब बिजनेस करता था कर्जे में बहुत हो गए थे और यहाँ तक कि मेरे ऊपर कर्जा करीब 4-5 लाख रुपए हो गया था और कर्जेदार मेरे दरवाजे खड़े रहते थे। फिर एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था परमेश्वर, तो मेरी पत्नी कहने लगी तुम दुआ नहीं करते, सबसे बड़ी बात है दुआ नहीं करते, चर्च नहीं जाते। तो हमने कहा हाँ ये बात सही है, चलो आज से हम लोग दुआ करेंगे। फिर हम और पत्नी दोनों बैठ के घुटने पर दुआ करने लगे और दुआ करने लगे, फिर नॉर्मल, फिर परमेश्वर से हमारा रिलेशन जुड़ने लगा धीमे धीमे। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं कमरे में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था और एकदम से परमेश्वर ने मुझे छुआ, और जैसे छुआ तो मेरे सारे रोएं खड़े हो गए और मैं रोने लगा, और रोते 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 इतना मैं रोया, इतना रोया कि जिंदगी में कभी नहीं रोया होगा। उसी दिन मैंने निर्णय करा, प्रभु मैं अपना जीवन आज आपको देता हूँ और जो आप मुझसे कहोगे वो मैं करूँगा। धीमे धीमे जब हम वचन पढ़ने लगे, फिर हमने जो है बाइबल कोर्स करा 1 साल का असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च में, और उसको शॉर्ट टर्म करा 1 साल का कोर्स करके कंप्लीट करा। फिर हम आगे बढ़े और फिर आगे जो है लोगों के साथ सेवा करने लगे, लोगों के यहाँ प्रार्थना करने लगे, लेकिन वहाँ पर चर्च की बात आने लगी कि आप किस चर्च से हैं। फिर परमेश्वर मुझे दर्शन में हम लोग से बात करी कि ओमेगा नाम रख, तो हमने ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च रखा। प्रभु ने फिर अच्छी कलीसिया दी, कलीसिया में अच्छे लोग दिए हैं,
और अच्छे लोगों के साथ एक अच्छा संगति दी और अच्छे विचार दिए, सेवा भाव हृदय दिया है सबको। फिर हमारे यहाँ हम गरीब बच्चों को रख करके, जो इधर उधर से नहीं पढ़ पाते उनको रख करके हम उनको पढ़ा रहे हैं चर्च के द्वारा, कलीसिया के द्वारा सबके साथ मिल करके, और वो पढ़ रहे हैं स्कूल में। उसके बाद कुछ बच्चे बाइबल कॉलेज भी हमारे कर रहे हैं और उनको भी चर्च के द्वारा कलीसिया के द्वारा सब लोग मिलकर के उनका करते हैं, उनका खर्चा चला रहे हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। और ऐसे परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल कर रहा है और आगे बढ़ा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सिर्फ परमेश्वर की सेवा करें और उन लोगों के बीच में जाके वो काम करें जो परमेश्वर हमसे चाहता है और उनसे चाहता है, ताकि हर बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। बड़ा अच्छा लगा पास्टर राजेश दयाल जी से मुलाकात करके। थैंक यू सो मच पास्टर जी फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली और हमने देखा किस तरह एक समय आप पैसे के पीछे थे और आज आप एक बहुत ही उदार और जेनरस चर्च के पासवान हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीष दे। यस वाकई में दोस्तों, ये परिवर्तन सिर्फ परमेश्वर लेकर आता है। शायद आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो खुद लालच के शिकार होंगे, आपका मन शायद वैसा होगा, लेकिन दोस्तों इन कहानियों से हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रोत्साहन पाए हैं और आपका हृदय भी प्रभु परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों परमेश्वर के पास आए, प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगें कि वो ऐसे हृदय को दूर करेगा जो लालच का है और एक आभार और धन्यवाद का हृदय हमें देगा। जी बिल्कुल। और दोस्तों इसी के साथ समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें और जाते जाते हम ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ की कॉयर का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, यीशु के लहू को पुकारें। इस गीत को आप सुनें, इसे बहुत इन्जॉय करें, आशीष पाएं और कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब का खून है। यीशु का लहू किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, बल्कि बेअब का खून है, बल्कि बेअब का खून है। यीशु के लहू के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, पाप मिटाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता। Time.